हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो गाइस आज हम जाने वाले हैं, फाइनली फर्स्ट टाइम हम सिटी जा रहे हैं। भाई देखते हैं वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, आप लोगों को सब मैं बताऊँगा ब्लॉग में, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। भाई भाई हम वहाँ पे फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। अभी हमने ये मतलब बुक ये मतलब बस है ना, जो वो हमने मतलब बुक नहीं करी है, टिकट से जा रहे हैं। तो भाई अभी ये फर्स्ट टाइम हमारा है लग्जरी, वो भी बस है भाई। तो लग्जरी बस में भी हमने फर्स्ट टाइम बैठे भाई। तो भाई मतलब अच्छा यार कि हम फर्स्ट टाइम मतलब लग्जरी बस में बैठे यार। फुल सीट है, पूरी फुल सीट है भाई, आराम से सो के जाओ, कोई टेंशन नहीं भाई। तो भाई आज हम मतलब सिटी को जाने वाले, तो फटाफट वीडियो के साथ बने रहिएगा भाई, मैं ज़्यादा टाइम पास नहीं करता भाई। और भाई चलते हैं, मतलब जा रहे हैं। काफ़ी दूर है भाई, मतलब यहाँ से समझो 180 किलोमीटर दूर है, तो बहुत ज़्यादा एक घंटे के ऊपर ही लग सकता है। लेकिन ये बस मतलब सुपर फास्ट बस है भाई, जल्दी भी पहुँचा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई मैं अभी बैठा था इधर और मुझे पता चला कि लग्जरी बस कैसी है। एयर कंडीशनर के नाम पर भाई ये खिड़की, और भाई यहाँ पर ना मोबाइल लगाने के लिए चार्जर है ना प्लग, ये देखो। मतलब ठीक है भाई, टिकट के ज़्यादा पैसे ले लेते भाई, और लग्जरी के नाम पे कुछ भी दे देते। अब भाई फाइनली हम जा रहे हैं, मतलब अब काफ़ी दिन खुल चुका है। देखो जब घर से निकले तो पूरा अंधेरा था, अब भाई मतलब सूरज निकल रहा है, सूरज भाई, तो अभी वो निकलेंगे तो भाई पूरा सूरज मतलब सुबह हो जाएगी तब। तो चलते फटाफट यहाँ, सब हम सामने आ चुके भाई। अब इधर चप्पल और मोबाइल अलाउ नहीं भाई, हमने मतलब मोबाइल चप्पल जमा कर दिए, और मोबाइल जो है ना वो नहीं जमा कर, हमको लोगों को थोड़ा खतरा दिखा। तो ये देखो सामने सीढ़ियाँ वाला स्क्रीन लगाया हुआ है, हमने मोबाइल नहीं जमा कर, चप्पल जमा कर दिया। मोबाइल यहाँ पे बंद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मोबाइल जमा करेंगे अभी, तो यहाँ पे आप लोग दर्शन नहीं करा पाएंगे, सॉरी यार लोगों। देखो आप लोग, लेकिन यहाँ पे मंदिर के आगे का आप देखो, ये रहा ज़्यादातर लोग यहाँ पे फोटो खिंचवाते हैं, तुम लोगों ने कहीं पे इंटरनेट पे देखा होगा। और ये रहा मंदिर गेट 4। और भाई अब भाई यहाँ पे मोबाइल बंद होगा, तो यार मैंने सोचा क्या लोगों को दिखाऊंगा इधर का व्यू, इधर का भी मैं दिखा सकता, लेकिन भाई अभी इधर मना ही है मोबाइल की, तो क्या ही करें। लेकिन यहाँ पे देखो आप श्रद्धा सबूत की, अब अच्छा ये देखो यहाँ पे गेट है श्री साई पलक गार्डन, ये गार्डन है। तो भाई गार्डन में भी हम जाएंगे बहुत जल्दी, तो भाई अभी मंदिर में जाएंगे हम। और भाई सॉरी यार मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया, तो जितना दिखा पाऊँगा दिखाऊँगा आप लोगों को, ठीक है। तो अभी वीडियो में बने रहो यार, ठीक है। चलो बाहर आ चुका हूँ अभी, मतलब समझो कितने मतलब बच चुके हैं, एक मिनट, एक घंटे के बाद। ये मेरा लॉकेट भाई साईं बाबा के चरणों का छुआया हुआ, और तुम लोगों को मैं दर्शन नहीं करा पाया, यही मेरी भाई क्या करो भाई। अंदर मोबाइल थोड़ा भी मोबाइल अलाव नहीं यार, मतलब क्या ही बताओ यार। तो इसके लिए मैं बाहर से दर्शन करा देता तुम लोगों को, रुको। ये देखो भाई साईं ओम साईं राम, ये रहा उनका मंदिर। और बाकी हम इधर से गए थे, और भाई ये गेट वेट से बाहर आए हम भाई, इधर ये गेट वेट से हम बाहर आए थे। और भाई ये देखो, तो वो भी हम गार्डन में जाएंगे भी, लेकिन तुम लोगों को भाई साईं बाबा के दर्शन करने भाई, हम लोगों को तो मोबाइल अलाव ही नहीं, थोड़ा भी नहीं। तो आप लोग काफ़ी आइए भाई साईं बाबा के मंदिर पे भाई, मतलब काफ़ी बहुत ही बड़ा कर दिया उन्होंने, आप एक घंटा तो उसमें भाई घूमोगे। इतनी भीड़ नहीं थी भाई, मतलब हम आराम से चले गए,
मतलब चलते गए हमको फाइनली मिल गया था, मतलब साई बाबा के दर्शन मिल गए, चरण भी हमको छूने को मिले भाई काफ़ी। मतलब मैं आप लोगों को घर पे पूरा बताऊंगा सिलसिला कि क्या हुआ था हमारे साथ में। और भाई आप लोगों को मतलब साई बाबा के दर्शन करने बाहर से मैं कर देता यार, आप लोगों को ज़्यादातर वीडियो में दिखाया होगा, फिर से दिखाता यार आप लोगों को, बाहर से दर्शन कराता हूँ मैं साई बाबा के। ये लो भाई साई बाबा के दर्शन, ये साई बाबा का मंदिर है, मेन मंदिर है ये भाई, यहाँ साई बाबा खुद बैठे हुए भाई। ये देखो भाई उनकी बड़ी मूर्ति, ये रहे उनकी बड़ी मूर्ति भाई साई बाबा की, आप लोग दिख रहे होंगे कि नहीं भाई, धूप है बस। आप फाइनली गाइस हम यहाँ पे आए और बाबा के दर्शन करने को मिले, और भाई सामने उनकी बहुत बड़ी मूर्ति है, मैंने आप लोगों को दिखाई, ये देखो ये उनकी पूरी बड़ी मूर्ति है भाई, पूरे फ्लावर लगे हुए। और हम लोग अंदर एंटर किए भाई, और वहाँ पे एंटर करते हुए भाई इतने हम लोगों ने चले, उधर उधर जाओ ऐसा घूमो वैसा घूमो, क्योंकि भाई सीढ़ी, अब भाई हर कोई जानता है सीढ़ी क्या है भाई, साईं बाबा का मंदिर है भाई, तो सीढ़ी को अब इतना डेवलप कर दिए भाई कि आप मतलब जाओगे ना बहुत घूमोगे ऐसा वैसा जाओगे, क्योंकि भाई वहाँ के जो गुरुवार को रहते हैं भाई तो बहुत लोग आते हैं, तो आप वहाँ पे जाओगे तो पहले आप वहाँ से घुसोगे, फिर वहाँ पे काफ़ी दर्शन, पहले आप दर्शन करोगे धोनी की, उसके बाद में वहाँ से आप गुजरोगे, फिर आप लोगों के उधर एंटर करोगे, फिर एंटर करते करते घूमोगे जेंट्स टॉयलेट लेडीज टॉयलेट इतने अच्छे अच्छे, मतलब सब पूरी ऐसा करें ना साफ़ सफाई इतना अच्छा है ना भाई, आप कुछ अगर आप लोगों को कुछ मतलब कुछ दवा मतलब कुछ चोट वोट लग गई कुछ हो गई तो दवा के लिए वहाँ पर डॉक्टर बैठते हैं, और टीप मलहम लगाने के लिए सब डॉक्टर थे। फिर वहाँ पे हम करते करते साईं बाबा तक मंदिर तक पहुँचे, हम उनकी मूर्ति तक पहुँचे और हमने उनके दर्शन किए, मैंने उनके चरणों को छुआ के भाई, ये हमने एक लॉकेट मतलब लगाए और वो चरणों छू के बाद हम लोग बाहर आए, फिर बैठा रहा, फिर मेरे परिवार वाले आ गए और फिर हम लोग गार्डन में बैठे सोचे करें, लेकिन वो भाई अंदर गार्डन था तो मोबाइल बाहर था भाई, मोबाइल जमा करना पड़ता है ना भाई, तो मोबाइल हमने जमा कर दिया था अंदर भाई, मोबाइल अलाउ नहीं था भाई, तो हम लोग बाहर आए तो मोबाइल लिए भाई अब अंदर, लेकिन भाई देखा तो भाई अंदर अलाउ ही नहीं है, ठीक है भाई अंदर मतलब कुछ अलाउ ही नहीं मोबाइल, तो भाई अब बाहर बैठ के मैं बता रहा हूँ भाई, तो आप आओ एक बार अंदर, इतना अच्छा बनाया हुआ भाई कि मैं फर्स्ट टाइम इधर साईं बाबा के मंदिर पर आया, सीढ़ी को इतने अच्छे से प्यार से लोग बोलते हैं, आप किधर रास्ता पूछोगे सब बता देंगे इतने अच्छे से, सब यहाँ पर अच्छे हैं भाई, सब मतलब बता देते कि यार आप लोगों को किधर जाना है क्या करना है, पुलिस लोग भी अच्छे कि आप इधर से जाओ उधर से जाओ, अच्छे बदतमीजी से बात नहीं करते, कुछ अच्छे लोग यहाँ पे हैं, तो भाई साईं बाबा के मर्दी मैं मतलब मंदिर पे ज़रूर आओ आप लोग, मैं उनके मंदिर पे आने को आप लोगों को बिल्कुल ही कहूँगा भाई, इतनी शांति मिलती है आप वहाँ पे गार्डन में बैठ के, आप भी आप बच्चों को अपनी बीवी को सबको घुमा सकते हैं आराम से, कोई टेंशन की लेने वाली बात नहीं है, मैं इधर आया हूँ भाई तो मैं बता सकता हूँ आप लोगों को। और भाई ये देखो मेरे पूजा पीछे, ये गार्डन भी अंदर भी गार्डन है भाई, घूमने के लिए आप बैठो खाना वाना खाओ लेके जाओ कुछ करो भाई, कुछ नहीं है आप अंदर जाओ बैठो, अपने बच्चों को लोग यहाँ पे ज़्यादा घुमाने लेके आते भाई, तो सोचते भीड़ भाड़ में, इधर कुछ भीड़ भाड़ नहीं थी भाई, बस गुरुवार छोड़ के आप आ सकते हो तो बच्चों को कोई तकलीफ़ नहीं होगी भाई, और लाइन में जो रहते बच्चे वाले जो लाइन में रहते मतलब छोटा, अगर अब आपके हाथ में बच्चा रहा तो उनको पहले जाने देते भाई, और उनको पहले जाने देते हो भाई, बड़ों को बाद में रखते हैं, तो बच्चों वालों की बहुत सेफ्टी इधर। और तभी भी मैं आप लोगों को बोलूँगा गुरुवार छोड़ के अगर और दिन आओगे तो भाई भीड़ बहुत कम मिलेगी, दर्शन आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे, और गुरुवार के दिन आओगे तभी भी अच्छा रहेगा यार, मैं मना नहीं कर रहा भाई कि गुरुवार के दिन मत आओ, गुरुवार के दिन आओ आप तो भाई अच्छा रहेगा, कि भाई लेकिन भाई गुरुवार आप छोड़ के आओ ना अगर, तो आप लोगों को दर्शन मिल जाएंगे भाई, सीढ़ी को हम आए थे, बहुत ही अच्छा है भाई यार, मतलब यहाँ बच्चे आ रहे हैं सब फ़ोटो खींच रहे, वो फ़ोटो खींच रहे भाई सब जगह पर, देखो फाइनली मैं धूप में बैठा था, ये देखो मैं इधर बैठा हूँ भाई, इधर मतलब साईं बाबा, और सीढ़ी बहुत ही भाई मतलब अच्छी लगी भाई हमको, और पुलिस लोग तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे भाई, इतनी बदतमीजी से बात बिल्कुल भी नहीं करते, और बाकी मंदिर में बहुत भीड़ रहती तो भाई बहुत ही मतलब बदतमीजी से बात कर लेते, निकल रहे इधर उधर बहुत बोल देते, मैंने बहुत सुना है भाई हाथ पकड़ के निकाल देते उधर, तो मुझे मतलब बहुत बुरा लगता है भाई, लेकिन सीढ़ी में ऐसा कुछ नहीं भाई, बोलते हैं
अगर तुम पैर छू रहे हो तो पैर छूने देते, फिर बोलते जाओ बाहर जाओ, बहुत भीड़ हो चुकी है, ऐसा बोले तो हमको मतलब ऐसा लगता है कि हाँ चलो भीड़ है, हम भी फायदा लेते, हम खुद से निकल जाते भाई यार, हमको निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती भाई। तो भाई मुझे बहुत शिरडी में अच्छा लगा यार आके भाई, हमें आप लोगों को अंदर से तो नहीं दिखा पाए भाई, लेकिन आप अगर आप आओ तो अगर गली से जाओगे कहीं पे जाओगे तो भाई साईं बाबा की मूर्तियाँ दिखेंगी उनके, मतलब ऐसा लोकेट वोकेट तो बहुत सा मतलब सारे बिकेंगे आप लोग दिखेंगे, मंगलसूत्र बहुत यहाँ पे बेच रहे सब, तो यही आप लोगों को सब दिखेगा। और लेकिन भाई अगर आप आओ ना तो भाई एक तरह का बोलो साईं बाबा का स्वर्ग है एक भाई, अभी ये सब आए हुए हैं तो भाई मैं अभी घर पर, अब घर में निकलने की कोशिश करेंगे हम, क्योंकि भाई अब काफ़ी देर वेर हो चुकी है ना साईं से, हम लोगों के दर्शन अब हो चुके हैं भाई, यहाँ पर क्या घूमने वाला होगा, अगर कुछ घूमने वाला रहा तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा भाई, लेकिन यहाँ का भाई मंदिर अच्छा है, आप लोग घूमने आओ, खुद मैं बोलता हूँ भाई, मैं फर्स्ट टाइम शिरडी आया हूँ भाई, आई लव यू साईं बाबा भाई। तो बस भाई अब घर में चलने के ठिकान बनाते हैं, फिर आप लोगों को कुछ और रहा तो मैं आप लोग ज़रूर दिखाऊंगा, ठीक है, तभी मैं और आप लोगों को दिखाऊंगा। तो भाई मैं भी फ़ोटो क्लिक करता हूँ भाई कुछ इधर, क्योंकि भाई शिरडी आया हूँ पैसे लगा के, तो भाई पूरा वही वसूल करके जाऊँगा भाई, फ़ोटो वोटो क्लिक करके भाई इंस्टाग्राम पे डालो वो करो भाई, लेकिन भाई स्नैपचैट में ऑन नहीं करूँगा भाई, ठीक है, वो लड़कियों का काम है यार। फाइनली भाई अब हम लोग गार्डन से निकलते इधर से, अब आगे कुछ दिखा मतलब लोगों को दिखाने वाला तो हम दिखाते हैं, रुको और भाई ज़्यादातर लोग फोटो कहाँ क्लिक करें बताओ भाई, यहाँ पे लोग ज़्यादा ही फ़ोटो क्लिक कर रहे भाई, मतलब दिन में तो भाई मुझे लग रहा भाई 10,000 पब्लिक हो जाती होती फ़ोटो खींच के। इधर जा रहे जिधर हमने चप्पल जमा करे थे हम लोगों के, हम लोगों ने जिधर चप्पल जमा करे थे भाई पूरा ऐसा सब करके स्टोर करके, अभी उधर जा रहे हम लोग रवाना होते इधर के लिए, मतलब घर के लिए भाई, साईं बाबा के हम लोगों को दर्शन बहुत जल्दी हो गए क्योंकि भाई भीड़ बहुत ही कम थी, ठीक है, तो अभी चप्पल अप्पल लेते हैं। चप्पल अप्पल लेके भी देखो भाई फिर कहाँ पे आ गए हम, फिर उसी गार्डन के पास आ गए भाई सामान खरीदने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा दुकान है ना इस साइड में, इसके लिए हम इधर ज़्यादा आ गए। तो अभी ये प्रसाद वरसाद ले रहे हैं इधर पे, फिर साईं बाबा के उधर तक जाएंगे, चढ़ाई बढ़ाएंगे फिर लाएंगे, क्योंकि भाई मेन एंट्रेंस में हम लेके गए भाई, उधर जाने पे हमने फूल वूल लेके गए, प्रसाद लेके गए तो वो कचरे में फेंक दिए लेके पुलिस वालों ने, तो भाई प्रसाद की इतनी बड़ी इज्जत है हम इधर, मतलब सीढ़ी की मैं सिर्फ बता रहा हूँ, बाकी सब अच्छा है भाई, लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड ने करा है वो भाई प्रसाद लेके जो कचरे में फेंक देते ना भाई, ऐसा फूल लिए सब लोगों के कचरे में फेंक देते, सब लोग भाई उनको गाली दे रहे थे भाई, तो भाई ऐसा भाई ना करो यार, क्योंकि भाई हम लोग पैसे से इधर लेते वो सब हमको पकड़ाते ज़बरदस्ती हम लेके जाते, जैसे आप लोग भाई कचरे में फेंक दे तो कचरे के डब्बे में फेंक दिया भाई, इतनी बड़ी इज्जत है भाई, तो भाई ये सबसे बहुत बड़ी गलती यार, तो यही नहीं अच्छी लगी। इसके लिए भी यहाँ से प्रसाद बाहर से लेंगे हम और शिरडी बाबा के उधर तक चढ़ाएंगे, फिर हम लेके आ जाएंगे, फिर हम घर तक जाएंगे भाई, मतलब फाइनली हो जाएगा भाई यार, और क्या ये उधर तक तो हमको प्रसाद मिला नहीं यार उधर उसमें, तब इधर से आएंगे यार, फिर गार्डन के इस साइड में खड़ा उधर तो गेट था वो आई लव यू वाला साईं वाला बाबा का उस साइड में था, और बाकी मैं साइड गेट में खड़ा हूँ, तो अभी चलते भी देखते किधर जाना पड़ेगा, चलते फटाफट। हम फाइनली लड्डू प्रसाद सब लेके सब होने के बाद अब फिर देखो किधर आ गए, वो फिर गार्डन में आ गए हम, उधर से अब सिर्फ घूम रहे सिर्फ उधर से, और भाई इधर क्या ही घूमने के लिए, दूर दूर तक सिर्फ होटल ही होटल ही, बड़े बड़े घर हो सब, सामने डोमिनोज है सब है आके इधर, लेकिन डोमिनोज में जाने की औकात नहीं हमारी, तो बाहर इधर बाहर घूमेंगे, और बाकी साईं बाबा की भी आरती चल रही तो हमने दर्शन करे, बाकी भी आरती में तो बाहर खड़े नहीं सकते, धूप में ना कोई भी नहीं खड़ा है, तो बस अभी चलते बाहर, आप लोगों में डोमिनोज के दर्शन कराते, डोमिनोज जब अपनी औकात होगी ना भाई उसमें से पिज्जा खिलाएंगे भाई आप लोगों को, अभी चलते रोड पार कर लेते हैं, खाना वाना खाने के लिए होटल देखेंगे इधर, अभी कहाँ पे है
वो देखना पड़ेगा सिर्फ। और इसके साथ तो मेन आते हैं हम। चलिए भी, और ये रहा बाबा का मेन मंदिर का जो है ना, वो इधर लिखा रहता है रोड पे से सबको दिखता है। अभी रोड पे हम मतलब उसके सामने से चल रहे रोड पे से, सब बोल रहे भोजनालय। अब यार भोजनालय का हम फर्स्ट टाइम आए ना, देखते कहीं पे ढूंढते। तो गाइस अभी हम पार्किंग में आ चुके हैं, मतलब भाई ये एक तरह की पार्किंग ही है। और अभी हम जा रहे हैं साई भोजनालय में भोजन करने के लिए। तो भाई यहाँ से कुछ दूर पे ही है, मतलब मंदिर के दूर पे। तो भाई अब वहीं पे जा रहे हैं। तो भाई अभी ये पार्किंग का रास्ता हम ले रहे हैं, यहाँ पे बस वस बहुत आके रुकती है। और भाई यहाँ पे काफ़ी लोग ट्रैवल करने, मतलब जो मतलब ऐसा क्या बोलते उसको, जो अपनी यात्रा करते हैं, हाँ तो वो लोग इधर आते हैं। पूरी गाड़ी ट्रैक्टर सब इधर लगे, बस लगी है, सब यात्रा करने के लिए यहीं पे उतरते हैं। तो वही सब है। और बाकी भोजनालय के लिए जा रहे भाई, अभी थोड़ी देर में आने वाला है। तो पार्किंग है, एक मिनट, ये क्या है भाई, गाइस आप लोगों को दिख रहे हैं उधर, ये देखो वो वहाँ पे साईं बाबा की बहुत बड़ी मूर्ति दिख रही भाई, इतनी बड़ी कि भाई एक ट्रक से ऊपर निकल रही, ट्रक से ऊपर निकल रही है। तो भाई अब उधर ही जा रहे हम लोग। ये रे सबसे बड़ी मूर्ति भाई, इसके सामने एक जो भाई सिर्फ मतलब घुटनों तक भी एक आदमी नहीं आ पाएगा भाई, इतनी बड़ी ये मूर्ति है। आप अंदाज़ा लगा सकते भाई कि एक बिजली के खंभे के मतलब उसके डेढ़ गुना तक है, आप ये अंदाज़ा लगा सकते भाई। अभी चलते आगे आगे, अभी इधर छोटे छोटे चप्पल भाई, अभी चलते अभी कहाँ पे है वो भोजनालय देखेंगे। ऐसा ही बाकी हम भोजनालय में पहुँच चुके हैं, रहा उनका गेट, आप लोग ज़रूर आओ भाई यहाँ पे। अब भाई हम जाके देखते अंदर क्या भाई लड्डू मिलेगा खाने को या कुछ क्या मिलेगा। ये रहा सबसे बड़ा बैरिकेड ऊपर का टाइटल का, और ये रहे ये पूरा, आप लोग देखो ये जो भाई साईं बाबा ने जलते हुए मतलब उसमें मटके में खीर में मतलब खीर थी एक, उसमें अपना हाथ डाल के इन्होंने जलाया था। जब उनके पास कोई वो नहीं था सामान चलाने के लिए, तो उन्होंने देखो ये सब दिखाया है उन्होंने। ये भोजनालय अब मेन इधर कुछ मिलेगा ना शायद से, अच्छे दिख रहे एकदम, मतलब माता ही है कोई, जय साईं श्रद्धा सबरी लिखी है, बहुत अच्छे। बाकी इधर देनगी अकाउंट, और इधर आइसक्रीम मिलती क्या भाई, इधर बैरिकेड लगाए और साईं बाबा के दर्शन करने हो तो इधर भी बैठ बैठ के कर सकते हो। कि ये देखो बड़ी LED लगा के बैठ मतलब बैठे इधर, कि भाई तुम इधर से ही दर्शन कर लो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो श्रद्धा सबूर जी ऐसे दिखते हैं। ये देखो दो लाइन निकलती है, एक इस साइड में लाइन निकलती, एक इस साइड में लाइन निकलती। तो हम मैं इस साइड इस लाइन में था और भाई मैं बाहर निकल गया था एकदम। अभी चलते एकदम बाहर देखते क्या होगा, सब तो मुझे ही देख रहे भाई, मैं क्या इतना बड़ा तो ब्लॉगर हूँ नहीं भाई, ब्लॉगर नहीं, ऐसा सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा कौन आ गया इधर जो ऐसा वीडियो बना रहा है। तुम लोगों को पूरा घुमा के बताऊँगा कि पूरा सही से, अभी तो मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ तो इतना कुछ मालूम नहीं है। जब मैं दूसरी बार आऊँगा तीसरी बार आऊँगा तो मैं तुम लोगों को पूरा दिखाऊँगा, अभी के लिए तो सिर्फ इतना ही देखो भाई। मौका ले लिया है, अब इतना बैठने की जगह बहुत है भाई, जाना पड़ेगा क्या, चलो चलो, पूरी बैठने की जगह है भाई। इधर और देखो, इधर दूर दूर तक खाली है, और ये रहिए। तो फाइनली गाइज हमारा खाना वाना बिल्कुल हो चुका है, हमने खाना वाना सब खा लिया। तो गाइज मुझे एक बात पता चली, मतलब ये प्रसादालय में मतलब ये भोजनालय में, कि यहाँ पे एक साथ में 10,000 पब्लिक बैठ सकती है और 10,000 पब्लिक फिर से बैठ सकती है। मतलब तो यहाँ पे अच्छा है कि भाई अगर आप लोग के पास मतलब साईं बाबा के दर्शन करने आए हो, और अगर आपके पास मतलब पैसे वैसे नहीं है
या फिर आप होटल में नहीं खाना चाहते हो तो यहाँ पे साई भगवान के जो प्रसादालय है, मतलब भोजनालय, वहाँ पे तुम आ सकते हो और खा सकते हो खाना। मैंने पेट भर के खाया भाई। आप लोग अगर पैसे वैसे नहीं खाना या फिर कहीं डोमिनोज कहीं ऐसा वो सामने नहीं खाना होगा तो आप सीधा प्रसादालय में आ जाइए। बहुत बड़ा है, आप लोग बैठ के आराम से खाना खा सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि सब सिर्फ गरीब ही खा सकते हैं, अमीर सब इधर सब बराबर हैं, सब खा सकते हैं इधर। तो बस अभी के लिए अभी हम घर की निकलने की तैयारी करते हैं, फिर कुछ घूमने के लिए और रहेगा तो घूमेंगे, लेकिन भाई भोजन के लिए भाई आवश्यकता थी हमको। सुबह से हमने कुछ खाना नहीं खाया था ना, इसके लिए भाई भोजन की हमको आवश्यकता थी, इसके लिए हमने भोजन वोजन अब कर लिया है। तो अभी अब फाइनली अब हम जाएंगे घर पे, या फिर कहीं घूमने वाला कुछ जगह रहा तो और घूमेंगे और तुम लोगों को पूरा दिखाएंगे, ठीक है। तो बस ज़्यादा टाइम पास नहीं, तो बस यार अब खाना ना हमारा पेट भर चुका है और यहाँ पे आके तुम खा सकते हो साई प्रसादालय। तो बस भाई मैं आप लोगों को साई भोजनालय की मतलब लोकेशन दिखाता हूँ। तो जो भाई तुम ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे पिज़्ज़ा हट का लिखा है और इधर लिखा है वाटर पार्क, बोर्ड पे पीले वाले वो देखो, यहाँ पे जो वाटर पार्क लिखा है ना इसके ठीक सामने मतलब रोड गई है, और वहाँ से आप लोग गए ना वो मतलब भोजनालय इस साइड में दिख जाएगा, ये साइड में आप सीधा गए ये साइड में आप लोगों को भोजनालय दिख जाएगा, साई भोजनालय। आप वहाँ से दर्शन मतलब खाना वाना खा सकते हो। लोकेशन आप लोगों को बता दी, सामने आना है पिज़्ज़ा हट, ये वाटर पार्क के सामने इधर सीधा एक गली गई, ठीक है। तो फाइनली गाइज अभी अपने लोकेशन पे पहुंच चुके घर तक। अभी भाई घर पे पहुंचते फिर तुम लोगों को पूरा बताता हूँ, अभी भाई रोड पे हूँ, ठीक है। तो अभी घर तक पहुंचते फिर आप लोगों को पूरा बताता हूँ, ठीक है। तो फाइनली गाइज हम घर पे आ चुके। घर पे आने के बाद मैं आप लोगों को सब बता दो क्या क्या हुआ। हम लोग भाई शिरडी में साई बाबा के मंदिर पे गए, फिर वहाँ पे पता चला कि भाई वहाँ पे अंदर फ़ोन अलाउड ही नहीं है, लेकिन अंदर इतना अच्छा सब बनाया हुआ है मंदिर। अब भाई बहुत घुमा फिरा के कर दिया, मतलब पब्लिक जब ज़्यादा हो जाती है दर्शनों के लिए तब उतनी ज़्यादा इतनी मतलब जगह बनाई हुई। तो हम लोग वहाँ पे घूमते 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 साई बाबा के मंदिर पे गए, फिर वहाँ से हमने दर्शन की, फिर एंट्री से बाहर आए, फिर वहाँ पे हम लोग गार्डन वार्डन दिखा, लेकिन भाई जब पता चला कि वहाँ पे फ़ोन अलाउड ही नहीं था, फिर हम लोग बाहर निकले, फिर अंदर जाने नहीं दे रहे थे। तो भाई बाहर के बाद फिर जितना व्यू था मैंने आप लोगों को सब दिखाया वो व्यू, और भाई साहब का गार्डन वार्डन सब दिखाया मैंने जितना दिखा पाया। सब दिखाने के बाद हम लोग गए भाई पोषण मतलब भाई भोजनालय में। भोजनालय पे हमने बहुत मतलब भाई पेट भर के खाना खाया, किसी को मना ही नहीं, सब लोग वहाँ पे आ सकते, सब लोग भाई खाना वाना खाते वहाँ पे, तो भाई एक तरह का वो प्रसाद है, तो आप सब लोग वहाँ पे आ सकते भाई, ऐसा कोई भी मना ही नहीं है और कोई भी आ सकता है यहाँ वहाँ पे। तो भाई मैंने इतना ही दिखाने के बाद हम लोग घर पे वापस आ गए भाई, और घर पे आने के बाद अब मैं आप लोगों को पूरा बता रहा हूँ एक्सप्लेन, और भाई जितना एक्सप्लेन करना था मैंने आप लोगों को वीडियो में कर ही दिया भाई। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर देना भाई, और भाई वीडियो ब्लॉग बहुत आएंगे भाई, ये ऐसा ही ब्लॉग की रुकेंगे नहीं, ब्लॉग आएंगे, रोस्टिंग आएंगे, गेमिंग आएंगे। आप लोगों को बता दो भाई मैं ब्लॉगिंग के साथ साथ गेमिंग रोस्टिंग भी करता हूँ यार, फटाफट जाके मेरे वीडियो ब्लॉग देखो, मतलब वीडियो गेमिंग जाके देखो भाई जल्दी से। तो भाई बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, बस इतना ही मैं आप लोगों से चाहता हूँ यार, और बाकी जितना हो पाया मैंने आप लोगों को पूरा दिखाया। अंदर से तो भाई अलाउड भी बिल्कुल भी नहीं था, अलाउड सख्त मनाई थी। तो बस भाई और शिरडी में आप लोगों को एक दरख्वास्त करूँगा कि शिरडी भाई एक बार ज़रूर जाओ, इतना मतलब लोगों को सुकून मिलेगा, और ख़ासकर जनवरी में ज़्यादा मतलब लोग वहाँ पे पब्लिक भर जाती है, मतलब स्टार्टिंग में बहुत पब्लिक भर जाती है, तो भाई इतना दर्शन को मतलब वो मज़ा नहीं आता। लेकिन उसके बाद अगर भाई फेब्रुवरी को गए आप और मार्च वार्च को उसके बाद महीने में गए तो आप मतलब भाई भीड़ बहुत ही कम रहती है, कभी आप मतलब जाओ दर्शन करो भाई, भोजनालय में जाओ, इधर घूमो, गार्डन घूमो, कहीं पे भी जाओ भाई, सब भाई एकदम अच्छे से जाएगा। हम लोग भाई तो फरवरी में गए, तो भाई हम लोगों को अच्छे से गए, दर्शन वर्शन करने को पा गए, काफ़ी भीड़ का सामना ना करना पड़ा हमको। तो बस भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना भाई, और सीडी आप लोग एक बार ज़रूर जाना। बस बाय।